हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे फतेहपुर के रहने वाले नवीन जी ने भेजी है। ये कहानी पेंटिंग कहानी का तीसरा भाग है। दोस्तों, अगर अब तक आप लोगों ने पेंटिंग कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो जल्दी से जाकर सुन लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पेंटिंग कहानी का तीसरा भाग। तुम लोग सोचते होगे कि अगर वो आत्मा है तो हीना को तो एक ही बार में मार सकती, तो तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर वो चाहती तो एक ही बार में हीना को मार सकती थी, मगर शायद वो हीना को तड़पा तड़पा के मारना चाहती है। शायद इसीलिए हीना अभी भी जिंदा है। पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि हीना अंदर ही अंदर मर रही है, और तुम लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, इसीलिए डेविडसन की रूह अब तुम लोगों की जान की दुश्मन बन गई है। इतना कह के देविंदु खामोश हो गया। खामोशी और गहरा गई, क्योंकि वहाँ हर कोई दम साधे देविंदु की बताई कहानी को सुन रहा था। और जैसे जैसे देविंदु अपनी कहानी को बढ़ाता जा रहा था, उन सब की जान हलक पर अटकी जा रही थी। कहानी खत्म होते होते सब किसी मरीज की भांति बहुत ही बुरे हालात में थे। डर और दहशत उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सबसे बुरी हालत तो हीना की थी। उसे देखकर यूं लग रहा था कि जैसे वो अभी मरने वाली है। चेहरा बिल्कुल सिकुड़ सा गया था, हाथ पैर सुन पड़ गए थे, सारा शरीर कांप रहा था। उसने सोफे पर रखे एक तकिए को जोर से पकड़ रखा था। मखमली कवर कभी भी फट सकता था। आंसू उसकी आंखों पे थे, पर शायद डर की वजह से पलकों से बाहर निकलने से डर रहे थे या जम से गए थे। जुबान तालू में चिपकी थी। ये सब आप कैसे जानते हैं? निभाना की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ते हुए सवाल किया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने खुद कुछ गैजेट्स बनाए हैं जिनके माध्यम से मैं आत्माओं को बुलाता हूँ और उनसे बातें भी कर सकता हूँ। इतने सालों की कड़ी मेहनत और तपस्या से मुझे इतना ज्ञान तो मिल ही गया है कि मुझे अपने आसपास मौजूद अच्छी और बुरी शक्तियों को पहचानने की क्षमता विकसित हो गई है। यानी अगर आसपास कोई भी एनर्जी मौजूद हो तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। उस दिन जब मैंने हीना को बाजार में देखा, तभी मुझे आभास हुआ था कि वहाँ पर कोई बुरी और बलशाली शक्ति है जो हीना के अंदर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैंने यहाँ आने से पहले अपनी शक्तियों द्वारा गैजेट्स का प्रयोग कर उस शक्ति को बुलाने की कोशिश की। काफ़ी कोशिश के बाद मैं उस रूह को बुला पाया। वो डेविडसन की ही रूह थी। फिर उसने अपनी पूरी कहानी मुझे बताई। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे कैसे भी करके हीना को और तुम सबको बचाना होगा और उस आत्मा को मुक्ति देनी होगी। डेविडसन की आत्मा सालों से भटक रही है और ये तब तक भटकेगी जब तक कि उसको मुक्ति नहीं मिल जाती। तो डेविडसन की आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है? हम लोग कैसे बच सकते हैं? उसका कोई तो रास्ता होगा। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें बचाइए प्लीज, हीना रोते हुए बोलने लगी। सबकी निगाहें एकाएक हीना की तरफ उड़ गई। हीना सोफे पर ही कांप रही थी। उसके चेहरे का सारा खून सूख गया था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद सा पड़ गया था। देखने में बहुत भयानक लग रही थी वो। वो लगातार चीख रही थी, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। होश में आओ हीना, होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? दिव्या और जिया ने
उसे झंझोरते हुए कहा, पर हीना को तो जैसे होश ही ना था, वो बस चीखे जा रही थी। देवेंदु ने अपने साथ लाए हुए बैग के अंदर हाथ डाला और उसके अंदर से राई के कुछ दाने निकाले, कुछ मंत्र पढ़ के उन्हें फूका और वो दाने हीना पे फेंक दिए। दाने पड़ते ही हीना बेहोश हो गई। सबकी निगाहें देवेंदु की ओर चली गई, जो अब भी कुछ बुदबुदा रहा था। सभी चिंतित निगाहों से देवेंदु की तरफ देख रहे थे। कुछ सेकंड्स में ही देवेंदु ने उनसे मुखातिब होकर बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हीना कुछ देर के लिए बेहोश हुई है, जब होश में आएगी तो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी होगी। अभी फिलहाल तो मैंने इस समस्या का तत्काल उपचार तो कर दिया है, पर पुनः समाधान के लिए हमें डेविडसन की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। पर कैसे, कैसे हम लोग उसे मुक्ति दिला सकते हैं? हरदीप ने ये सवाल देवेंदु से किया। डेविडसन की आत्मा को शांत करने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत वाली जगह पे पहुंचना होगा, जहां से तुम लोग आए हो। तुम्हारा मतलब है वही झील वाली जगह? हाँ, हमें वहां चलकर डेमी की बॉडी के अवशेष ढूंढने होंगे और उनको डेविडसन की आत्मा को बुलाकर उसके सामने ही उन अवशेषों का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। जब तक डेविडसन को ये यकीन नहीं दिला दिया जाता है कि डेमी मर चुकी है, हीना सिर्फ उससे मिलती जुलती शक्ल मात्र है, तब तक डेविडसन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तुम लोग कहीं भी चले जाओ, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बस यही एक अंतिम उपाय तुम सबको उससे बचाने का है। लेकिन डेविडसन की आत्मा को बुलाएंगे कैसे? और डेमी की बॉडी को ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। कई बरस पहले उसका मर्डर हुआ था और उसकी बॉडी के अवशेष होंगे भी या नहीं ये पता भी नहीं हम लोगों को। उसको कैसे ढूंढ लेंगे? ढूंढना पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़े, डेमी की बॉडी के अवशेषों को ढूंढना ही पड़ेगा। और रही बात डेविडसन की आत्मा को बुलाने की, तो वो मेरा काम है। तुम सबको सिर्फ डेमी के अवशेष को ढूंढना है, कुछ भी करके, कैसे भी करके। जब तक तुम उसकी बॉडी ढूंढ नहीं लेते, तब तक तुम लोगों को बचा के रखने की जिम्मेदारी मेरी। पर मैं ज्यादा देर तक अपनी मंत्र शक्ति के बल पर तुम लोगों को नहीं बचा सकता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलो और जल्द से जल्द डेमी के अवशेषों को ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन हीना की हालत को देखकर लगता नहीं है कि वो हमारे साथ चल सकती है। तुम सब इसकी चिंता मत करो, ये अभी कुछ देर में होश में आ जाएगी और उसका चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त डेविडसन की आत्मा को बुलाऊंगा और डेमी के संस्कार करूंगा, तब हीना का होना बहुत जरूरी है, जिससे डेविडसन को यकीन हो सके ये डेमी नहीं कोई दूसरी है। वो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे वो कोई फैसला ले नहीं पा रहे थे और आपस की सहमति चाहते थे। जो भी फैसला लेना है जल्दी लीजिए, आप सबका एक एक पल बहुत ही कीमती है। हीना की जान पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है और उसके साथ साथ आप लोग भी खतरे में हैं। सबने हीना के चेहरे की ओर देखा, जो अभी भी बेहोशी हालत में थी। ठीक है, हम चलने को तैयार हैं, निभाना बोली। ओके, तो जल्द से जल्द आप लोग लंबी रस्सी, टॉर्च, कुछ खाने पीने का थोड़ा सामान और ट्रेकिंग से जुड़ी हुई सभी इम्पोर्टेंट चीजें एकत्र कर ले, वहाँ इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है, बाकी मेरी जरूरत की चीजें मैं ले लेता हूँ। ठीक है, वो सब मैं अरेंज करता हूँ, बाकी तैयारी आप लोग कर लो। इतना कह के हरदीप बाहर निकल गया।
मैं भी अभी वापस आता हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं, हीना के साथ ही रहिएगा और ये अपने पास रखिए। देविंदु ने अपने झोले में से एक रुद्राक्ष की माला निभाना की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये क्या है? ये अभिमंत्रित माला है, जब तक आपके पास है कोई भी बुरी आत्मा आपको छू भी नहीं सकती। आप लोग सब साथ रहिएगा, अगर हीना को होश आ जाए तो ये माला उसे पहना देना। देविंदु ने जवाब दिया। ओके, समझ गई, निभाना बोली। जियो और दिव्या खामोशी से उन सबकी बातें सुन रही थी। देविंदु भी तेजी से बाहर निकल गया। निभाना और जिया दिव्या और हीना के पास ही बैठ गईं। डर अभी भी उन सबके चेहरों पर साफ देखा जा सकता था। सच तो ये है कि सबकी हालत खराब थी और वो अब मन ही मन अपने ईश्वर को याद करने में लगी थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था, उससे भी कई गुना तेज उन सबकी धड़कने। हल्की सी भी आहट उन सबकी रूह फना कर देती। निभाना ने हाथों में वो रुद्राक्ष माला कस के पकड़ रखा था, जैसे डर था कि कहीं कोई छीन न ले। लगभग 20 मिनट के बाद दरवाजे के बाहर कुछ आहट सुनाई पड़ी। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गई। दरवाजे पे हरदीप खड़ा था, जो गाड़ी और बाकी सामान लेकर आ गया था। हीना अभी भी बेहोशी थी। देविंदु कहाँ है? हरदीप आते ही पूछता है। वो अपनी काम की चीजें लेकर आता होगा, दिव्या ने जवाब दिया। आता होगा नहीं, आ गया, दरवाजे पर देविंदु था। चलो फिर निकलते हैं, जिया ने जल्दी से कहा। पर हीना? दिव्या ने हीना की तरफ देखते हुए सवाल किया, जो अभी तक बेहोश थी। हीना को ऐसे ही गाड़ी में ले चलो, इसे अपने आप कभी भी होश आ सकता है। ये माला मुझे दे दो, देविंदु ने कहा। निभाना ने वो माला देविंदु को वापस कर दी। सभी ने मिलकर हीना को बाहर खड़ी इनोवा में लिटाया और गाड़ी में बैठकर चल दिए उसी तरफ जहां से इस मुसीबत की शुरुआत हुई थी। सभी के मन में आशंका और डर मंडरा रहा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी कि अचानक हीना के शरीर में हरकत हुई। जिया तो उसके बगल में ही बैठी थी, उसने उसके सर को उठाकर अपने गोद में रख लिया। कुछ ही देर में हीना ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने आप को गाड़ी में देखा तो उठकर बैठ गई। ये हम कहाँ जा रहे हैं और ये कौन हैं? हीना ने सवाल किया। निभाना ने सारी बात हीना को संक्षेप में बता दी। वो बात खत्म होते होते हीना वापस बेसुध होने जैसी स्थिति में आ गई। उसने फिर चीखना शुरू कर दिया, वो मार डालेगा मुझे, मुझे वापस जाना है, वापस चलो। जिया ने उसे कसकर पकड़ रखा था, पर हीना अपने हाथ पैर चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। निभाना ने एक तेज थप्पड़ हीना के गाल में जड़ दिया। हीना जैसे होश में आ गई हो, उसका शरीर शांत हो गया। उसने उबलती आंखों से निभाना को देखा और रो पड़ी। दिव्या ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। देविंदु के होठों ने कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया था। उसने हरदीप से कहा, कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी मत रोकना जब तक मैं ना कहूं। क्यों, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हरदीप ने हैरत से पूछा। हाँ, डेविडसन हमें वहां जाने से रोकेगा, वो हमें उस जगह तक पहुंचने नहीं देगा, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी को रोकोगे नहीं, देविंदु ने कहा। मतलब? ज्यादा सवाल मत करो, तुम गाड़ी चलाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हरदीप ने बिना कुछ पूछे एक्सेलेटर पर अपने पैर का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी हवा की रफ्तार से उस काली सड़क पर दौड़ते हुए मुकाम की ओर चल पड़ी। ओ नो, हरदीप ने कहा, क्या हुआ? वहां सड़क पे सबकी निगाहें सामने की ओर गई, जहां पर एक अजीब तरह का जानवर
बीच सड़क पे खड़ा था। गाड़ी मत रोकना हरदीप, गाड़ी मत रोकना, उड़ा दो उसे, पर गाड़ी कतई मत रोकना, ये डेविडसन की चाल है हमें रोकने की, दिवेंदु ने चिल्लाते हुए कहा। मगर मगर वगर नहीं, बस मैंने कहा ना, गाड़ी चढ़ा दो, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। हरदीप ने दांत भींच के एक्सेलेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिए। गाड़ी तीर की रफ्तार से निकली और उस जानवर को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई और जोर की आवाज के साथ तेज झटका लगा। सभी की चीख निकल गई, लेकिन दिवेंदु आंख बंद किए कुछ बुदबुदाता रहा। सबने पीछे मुड़ के देखा, पर पीछे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सड़क बिल्कुल साफ सुथरी थी। हरदीप के माथे पर पसीना आया हुआ था, उसकी धड़कनें घबराहट के मारे तेज भागने लगी थी। ये क्या था? कुछ नहीं, अपना ध्यान गाड़ी पर रखो, इतना समझ लो, इस तरह की कोई भी समस्या मिल सकती है हमें इस रास्ते में, बस तुम्हें गाड़ी किसी भी हालत में रोकनी नहीं है। लड़कियों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, हीना तो डर से कांपने लगी थी, उसकी चीखें भी दहशत की वजह से अब नहीं निकल पा रही थी। सभी अपने मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें इस मुसीबत से बचा ले। अब चाहे ईश्वर की अनुकंपा कहे या देवेंदु के मंत्रों की शक्ति का असर, कि अब रास्ते भर और किसी विपत्ति का सामना नहीं हुआ और वे लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां उनकी इस समस्या का हल निकलने की उम्मीद थी। वहां पहुंचते पहुंचते शाम गहरा चुकी थी। गाड़ी को एक जगह खड़ी करके वे सभी बाहर आ गए। हम यहाँ तो आ गए, पर ये कैसे पता चलेगा कि डेमी के अवशेष कहाँ पर हैं? निभाना ने देवेंदु से पूछा। इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी मंत्र शक्ति से उस जगह का पता लगाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग बस मेरे साथ आओ। वे सभी देवेंदु के पीछे चल पड़े। सभी के पैर ऐसे चल रहे थे जैसे उनमें भारी पत्थर बांध दिए गए हों। कुछ देर बाद वे झील के करीब पहुंच चुके थे। चारों तरफ सिवाय सन्नाटे के कुछ ना था। उस सन्नाटे के बीच आती झिंगुरों और जंगली जानवरों की आवाजें उस माहौल को और भयानक बना रही थी। एक साफ जगह देखकर देवेंदु ने उन सबको रुकने का इशारा किया और वहीं जमीन में पलथी मार के बैठ गया। वो सभी भी वहीं गोल बनाकर बैठ गए। अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी मंत्र शक्ति से डेमी की आत्मा को बुलाने की कोशिश करूँगा। इस बीच यहाँ जो कुछ भी हो वो तुम लोगों को बड़ी हिम्मत से देखना होगा। तुम में से अगर कोई भी चीखा या डर से उठने की कोशिश की तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए कोई भी अपनी जगह से मत हिलना। मैं डेमी की आत्मा से उस जगह का पता लगाने की कोशिश करूंगा जहां डेमी के अवशेष पड़े हैं, समझ रहे हो ना? सबने हां में सर हिला दिया देवेंदु की बात सुनने के बाद। देवेंदु ने अपने झोले से वही माला निकाला और निभाना की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लो और तुम सब लोग निभाना के हाथों पर अपना हाथ रख लो, इससे यहाँ कोई भी बुरी आत्मा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगी। बिना कुछ कहे निभाना ने वो रुद्राक्ष की माला को अपने हाथों में यूं पकड़ लिया जैसे किसी के छीन लेने का डर हो। बाकी सब ने भी निभाना के हाथों में अपना हाथ रख दिया। अब देवेंदु ने अपने बैग से कुछ अजीब तरह के गैजेट्स निकाले और उसे जमीन में सजा दिया, जो शायद उन लोगों ने पहली बार देखे होंगे, पर किसी ने भी कुछ पूछने की हिम्मत ना जुटाई। देवेंदु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी बुदबुदाहट धीरे धीरे
तेज होती जा रही थी। इसी बीच देवेंदु ने जमीन पर ही कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींच कर एक नींबू रख दिया, जिस पर रोली का टीका भी लगा था। हीना के अलावा वो सब आंखें फाड़े देख रहे थे बस, लेकिन हीना ने डर की वजह से अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। इधर देवेंदु का मंत्र उच्चार तेजी से होता जा रहा था कि तभी हीना के शरीर में एक अजीब सी हरकत हुई। वो बैठे बैठे ही तेजी से हिलने डुलने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर उसके अगल बगल बैठे हुए सभी लोग अचानक चौक के पीछे हट गए। ये अचानक ना जाने क्या हुआ था, हीना के शरीर ने अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर दिया था। उसके हिलने की गति धीमे धीमे तेज होती गई। वो जमीन पर बैठे बैठे ही जोर जोर से सर को जमीन पर इधर उधर पटकने लगी। उसके बाल खुल गए, चेहरा विकृत हो गया, चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ गई और एक अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज उसके मुंह से निकलने लगी। उसकी ये हालत देखकर सभी दहशत के मारे कांप उठे। कोई उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सबकी जुबान को जैसे लकवा मार गया था। चारों की निगाहें हीना पर लगातार बनी हुई थी। सभी अपनी जगह पर बिल्कुल जम से गए थे कि तभी देवेंदु की तेज आवाज ने जैसे उन्हें सोते से जगाया। पकड़ो इसे, डरो मत, ये कुछ नहीं करेगी, पकड़ो इसे जल्दी। पर उन सब की हिम्मत ने जवाब दे दिया था। शायद उनमें से कोई भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अरे तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो, पकड़ो इसे, मैंने कहा ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी आओ, देर मत करो वरना पछताना पड़ जाएगा। और इतना कहते ही देवेंदु खुद लपक कर हीना को पकड़ने की कोशिश करने लगा। देवेंदु की इस हरकत को देखकर शायद उन चारों में कुछ हिम्मत जागी। हरदीप भी आगे बढ़कर आया। उसने देवेंदु का साथ देते हुए हीना को जकड़ने की कोशिश की। हरदीप के देखा देखी बाकी तीनों लड़कियां भी आकर हीना को पकड़ने लगी। पर ना जाने हीना के अंदर कहां से ऐसी ताकत आ गई थी कि वो पांच लोगों के संभाले ना संभल रही थी। इतने जोर से झटके मार रही थी कि कभी कोई इधर तो कभी कोई उधर गिर रहा था। अचानक देवेंदु ने हीना के सर के बालों को पकड़ा और उसकी बाल में एक गांठ लगा दी। उसके गांठ लगाते ही हीना एकदम से शांत हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। वो अपने होशो हवास खो चुकी थी। हीना को शांत देखकर उन चारों की जान में जान आई। अचानक उसे क्या हुआ देवेंदु, ये अचानक ये कैसी हरकतें करने लगी? जिया ने देवेंदु की तरफ देखते हुए हैरत से पूछा और यही सवाल उन सभी के मन में था। सभी की निगाहें देवेंदु की ओर ही थी। उसे कुछ नहीं हुआ, ये डेविडसन की आत्मा के कारण हो रहा है, वो मुझे रोकने और डराने के लिए हीना के शरीर में प्रवेश कर मुझे डेमी की आत्मा को बुलाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मैंने उसे अपनी मंत्र शक्ति के बल पर बांध दिया है। जब तक इसके बालों की गांठ नहीं खुलेगी, डेविडसन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब हीना के पास ही रहो। अगर मेरी क्रिया के दौरान हीना फिर से वही हरकत दोहराती है तो तुम लोग बिना डरे उसे पकड़ लेना। ये सिर्फ अपनी जगह से हटना चाहेगी, क्योंकि अभी अपनी मंत्र शक्ति से मैंने डेमी की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा मेरे से बात करने के लिए किसी माध्यम को खोज रही है। मैं उसे अपने बनाए इस षड्यंत्र के जरिए
संपर्क करने का आदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे बिना रुके अपनी क्रिया पूरी करनी पड़ेगी, इसीलिए कोशिश करना कि ये मुझे रोकने की कोशिश ना करे। डेमी की आत्मा उस माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, पर उस वक्त हीना की हरकत के कारण क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, जिसकी वजह से अब मुझे दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। समझ गए ना? सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, शायद फैसला लेने की हिम्मत जुटा रहे थे। फिर निभाना ने अपना सर हाँ में हिलाया, जिसे देख बाकियों ने भी हामी भर दी और पास आकर हीना को उसी बेहोशी की हालत में कसकर जकड़ लिया। ओके, तुम लोग तैयार हो ना? देवेंदु ने पूछा। हाँ, हरदीप ने जवाब दिया। हरदीप के इतना कहते ही देवेंदु फिर से मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। धीमे धीमे उसकी मंत्रों की गति तेज होती जा रही थी। उसके मंत्रों की गति के साथ साथ उन चारों के दिलों की धड़कन भी तेज होते जा रहे थे। डर और दहशत को चारों के चेहरे में साफ साफ देखा जा सकता था। वो कभी देवेंदु को देखते तो कभी हीना को। उन चारों की पकड़ हीना के शरीर पर बहुत मजबूत थी। वो सब बहुत डरे हुए थे और अब तो वो कतई नहीं चाहते थे कि हीना ऐसी कोई हरकत करे जिससे उनको वहां से भागना पड़े। देवेंदु आंखों को बंद किए हुए बहुत ऊंची आवाज में मंत्रों का उच्चार करता जा रहा था। अभी तक हीना ने कोई हरकत नहीं की थी, ये एक अच्छी बात थी। फिर भी एहतियात के तौर पर उन सब ने उसे बहुत कस के पकड़ रखा था। रात के भयानक सन्नाटों में मंत्रों की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। झिंगुरों और जंगली जानवरों की बीच बीच में आती आवाजें उस माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। उन चारों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की। चारों आपस में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे पर कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन उन सबकी नजरों में एक ही सवाल तैर रहा था कि अब आगे क्या? इधर देवेंदु के मंत्रों की गति परिवर्तित हो गई थी। अब वो कभी धीमी तो कभी बहुत तेज हो रही थी। आवाज में एक अजीब सी कर्कशता महसूस हो रही थी। देवेंदु की ये हालत देख के उन सबके पसीने छूट गए। मन में बुरे बुरे ख्याल से आने लगे कि कहीं डेविडसन ने देवेंदु के ऊपर कब्जा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ऐसा ख्याल आते ही दिव्या बिना सोचे समझे चिल्लाते हुए अंधेरे में भागने लगी। उसे यूं भागता देख निभाना चिल्लाई, हरदीप देखते क्या हो, पकड़ो उसे। हरदीप तेजी से दिव्या के पीछे भागा। अंधेरे में कुछ दिख तो नहीं रहा था, सिर्फ पद चापों के सहारे हरदीप दिव्या के पीछे भाग रहा था और दिव्या अंधाधुन अंधेरे में भागती चली जा रही थी कि अचानक उसको किसी चीज की ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई और वो चेतना खो बैठी। दिव्या के यूं भागने या निभाना के चिल्लाने का कोई असर देवेंदु पर नहीं पड़ा। शायद वो अभी भी बिना रुके मंत्रों उच्चार करता जा रहा था। जिया और निभाना हीना को पूरी ताकत से पकड़े हुए हरदीप और दिव्या का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो बार बार पलट के देवेंदु और हीना को भी देख लेती। उन दोनों लड़कियों का डर अब कई गुना बढ़ चुका था। पर तभी निभाना को अपने हाथ में फंसी रुद्राक्ष माला का ख्याल आया। उसने उसे और कस के पकड़ लिया। शायद उसे इससे कुछ हिम्मत का एहसास हुआ। जिया की निगाहें अब भी उसी अंधेरी दिशा की ओर थी जिधर
दिव्या और हरदीप गए थे। इधर अंधेरे में हरदीप भागता हुआ उसी दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा था जिधर दिव्या के पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अचानक पैरों की आवाजों ने आना बंद कर दिया। हरदीप जहां था वहीं रुक गया। अब उसको उस घूप अंधेरे में सूझ नहीं रहा था कि जाए तो किधर जाए। आखिर दिव्या गई तो गई कहां? वो वहीं खड़े खड़े अपनी आंखों को चौड़ा करके अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा, पर अंधेरा इस कदर गहरा था कि एक हाथ को दूसरे हाथ के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। कुछ देर उसने सोचने के बाद अपने कदमों को धीमी धीमी एक दिशा की ओर एक अनुमान से बढ़ाना शुरू किया। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि उसके पैर किसी चीज से टकराए। शायद वो कोई शरीर था। वो ठिटक कर रुक गया। उसकी आवाज डर के कारण हलक में अटक गई थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने फुसफुसाहट भरे अंदाज में आवाज दी, दिव्या, दिव्या, दिव्या। हरदीप की आवाज उसे ही खुद पलट कर सुनाई दे रही थी। चारों ओर पसरे सन्नाटे में झिंगुरों और जंगली जानवरों की आवाजें इस कदर सुनाई दे रही थी कि और कोई भी आवाज उस जंगल में नहीं थी। हरदीप ने हिम्मत करके थोड़ा झुक के टटोल कर देखने की कोशिश की तो वो कोई इंसानी जिस्म ही था। उसको समझते देर ना लगी कि ये दिव्या ही है। उसने किसी तरह उसे उठाकर अपने कंधों पर डाला और उल्टे पैर वापस चल पड़ा। उसके कदमों की रफ्तार काफी तेज थी, जैसे उसे डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अनुमान से ही वो लगातार एक दिशा में बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसे वो तीनों बैठे दिखाई पड़े। वो लगभग भागता हुआ उनके पास पहुंचा। हरदीप की सांसें बहुत तेज गति से चल रही थी। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी ये हालत और कंधे पर दिव्या को देख उन दोनों की रूह कांप गई। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो हीना को पकड़े बैठे रहे। हरदीप ने दिव्या को जमीन पर लिटा दिया। देवेंदु आंख बंद किए बस मंत्रों उच्चार करता रहा। आंखों ही आंखों से उन लोगों ने आपस में बात की। हरदीप ने इशारे पर सारी बात बता दी। दिव्या बेहोशी की हालत में पड़ी थी। हरदीप ने अपने साथ लाए सामान से पानी की बोतल निकाली और उसके कुछ छींटे दिव्या के चेहरे पर मारे। करहाकर दिव्या ने अपनी आंखें खोल दी। डर अभी भी उसकी आंखों और चेहरे पर बना हुआ था। हरदीप ने उसे इशारे से ही खामोश रहने का इशारा किया और उसे सहारा देकर बिठा दिया। दिव्या ने हीना की ओर देखा जिसे निभाना और जिया ने पकड़े रखा था। हीना का शरीर बिल्कुल शांत था। शायद वो अभी भी बेहोश थी। निभाना और जिया ने भी दिव्या को शांत रहने का इशारा किया। दिव्या अब तक में अपने को काफी संभाल चुकी थी। वो खामोशी से वहां हो रही प्रक्रियाओं को देखती रही। लगभग 20 मिनट गुजर गए थे कि जमीन पर रखे यंत्रों में लगी बत्तियां जलने बुझने लगी और उनसे एक बीप जैसी आवाजें आने लगी। उस भयानक जंगल की काली रात में सुनाई देने वाली जंगली जानवरों की आवाजें अचानक बहुत ही तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे सभी जानवर इसी दिशा की ओर चले आ रहे हैं। हवाएं एकाएक काफी तेज हो गई। आसपास के पेड़ों के पत्तों की सरसराहट एक अजीब से डर का एहसास कराने लगी। उन तीनों का शरीर डर से कांपने लगा। सबके सब आपस में लिपट से गए थे। उनके हाथ एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए थे। देवेंदु के मंत्रों को उच्चारित करने की गति
अचानक और तेज हो गई। कुछ ही देर में उन यंत्रों से निकलने वाली बीप की आवाज और तेज होने लगी। बत्तियां भी तेजी से जलने बुझने लगी। उन तीनों के डर के कारण जान हलक में अटक गई। वो तीनों आंखें फाड़े उसे देखते रहे। हैरत और डर से उनकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी कि तभी देवेंदु ने अपनी आंख खोल दी और उन लोगों को खामोश रहने का इशारा कर जमीन पर रखे नींबू पर कुछ राई के दाने डालकर सामने रखे यंत्रों में लगे बटनों से खेलने लगा। मंत्रों की आवाज थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन बाकी सब कुछ पहले जैसा ही भयानक था। अचानक एक स्पीकर नुमा गैजेट से एक अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज आती महसूस हुई, जैसे कोई जंगली बिल्ली गुर्रा रही हो। देवेंदु सतर्क हो गया। वो मंत्र के साथ साथ ना जाने उस गैजेट के साथ कुछ करता रहा। वो गुर्राहट अब पास आती महसूस हो रही थी कि अचानक एक जोर की आवाज के साथ बिजली चमकी और सब लोग चौंक गए। ऐसा लगा जैसे बिजली यहीं कहीं आसपास गिरी थी, पर आसमान तो बिल्कुल साफ था। बारिश का नामो निशान तक ना था, वो भी इस मौसम में और राजस्थान में, ना मुमकिन। फिर ये क्या था? वो लोग आगे कुछ सोच पाते कि देवेंदु के मंत्र शांत हो गए और देवेंदु बिना किसी से कुछ बोले उन गैजेट से कुछ करने लगा। वे सब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, बस जो हो रहा था उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। कुछ ही देर में उस गैजेट से वो गुर्राहट भरी आवाज कुछ साफ हुई, तो ऐसा लगा कि कोई लड़की की आवाज है। डेमी, इतना ख्याल आते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। डर और भी हावी हो गया। वो सब देवेंदु को देख रहे थे, जो पास में रखे नींबू पे कुछ डाल रहा था, साथ ही कुछ बुदबुदाए जा रहा था। तुम जो भी हो मुझसे बात करो, अचानक देवेंदु ने बोला। ऐसा लगा जैसे वो किसी को देखकर बात कर रहा हो। उसकी निगाहें उस गैजेट्स पे जलती बुझती बत्तियों पर ही थी। बत्तियां लगातार जलती बुझती रही। मैं जानता हूं तुम डेमी हो, मुझसे बात करो डेमी, मुझसे बात करो। अब उस लड़की की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो अंग्रेजी में कुछ बोल रही थी। डेमी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। उस आवाज ने फिर कुछ कहा जो उन सब ने साफ साफ सुना। यस, आई एम डेमी। देवेंदु को छोड़ बाकी सबकी रूह कांप उठी। डेमी, क्या तुम हिंदी में बात कर सकती हो? मैं जानता हूँ कि तुम हिंदी समझ सकती हो, तो बात भी कर सकती होगी। हाँ, घरघराहट भरी आवाज में उस गैजेट से आवाज आई। बढ़िया डेमी, मैं जानता हूँ कि डेविडसन ने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं तुम्हें अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि हीना के शरीर में हरकत हुई और वो एक ही झटके में उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, चेहरा विकृत लग रहा था, खुले बालों में वो और भयानक लग रही थी। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो तेजी से देवेंदु की ओर लपकी, मगर देवेंदु तैयार था। वो तेजी से एक तरफ हट गया और हीना अपने को संभाल ना पाई और मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। निभाना, दिव्या, हरदीप और जिया वहां से भागना चाहते थे, पर जैसे किसी ने उनके पैर जकड़ लिए थे। वे अपनी जगह से टस से मस भी
नहीं हो पा रहे थे। इधर हीना का शरीर फिर उछल के खड़ा हो गया और फिर दिवेंदु पर झपटी। दिवेंदु अपने झोले से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही हीना ने उसका गला पकड़ के दबाना शुरू कर दिया। दिवेंदु एक हाथ से उसके हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ से झोले के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश भी। हीना के हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा था, दिवेंदु का दम घुटने लगा, चेहरा विकृत होने लगा, आंखें बाहर की ओर निकलने लगी थी। वो सभी बेबसी से दिवेंदु को हीना के चंगुल में फंस के छटपटाते देख रहे थे। वे बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो दिवेंदु की मदद कर सके, पर उनका शरीर उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो बेबस भरी निगाहों से बस देख रहे थे, उनकी आवाजें भी हलक से बाहर निकलने से इनकार कर रही थी। इधर दिवेंदु का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। हीना पूरी ताकत से उसके गर्दन को दबोचे हुए थी। मौत दिवेंदु के बिल्कुल सामने दिख रही थी कि दिवेंदु ने झोले से कुछ दाने निकाल कर हीना के ऊपर फेंक दिए। जैसे ही उस पर वो दाने गिरे, वैसे ही हीना भी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी और होश खो बैठी। उसके गिरते ही उन तीनों के शरीर भी स्वतंत्र हो गए। वो सब भागकर दिवेंदु और हीना के पास पहुंचे। दिवेंदु अभी भी अपनी सांसें स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। वो लोग कुछ बोलते उससे पहले ही दिवेंदु ने उसे चुप रहने का इशारा किया और वापस उन्हीं गैजेट्स की तरफ घूम गया, जिनमें से अभी भी कुछ ना समझ आने वाली आवाजें आ रही थी। दिवेंदु उन गैजेट्स में फिर कुछ करने लगा और साथ ही साथ जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। डेमी, डेमी वापस आओ, डेमी वापस आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वापस आओ डेमी, मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारे और डेविडसन के बारे में जानता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वापस आओ। और अचानक ही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है, इसका अगला भाग जल्दी ही आएगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।